नमस्कार, सिटी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। दिन भर की तमाम खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। पहले नजर डालिए आज की हेडलाइंस पर। समाहरणालय के सभा कक्ष में उपायुक्त ने की प्रेस वार्ता। कोरोना से जंग को जीतने को लेकर जारी किए कई निर्देश। कहा, मकान मालिक किराएदार से एक महीने तक नहीं वसूलेंगे किराया। वहीं असंगठित मजदूरों को तालाबंदी के पीरियड का भी दिलाया जाएगा मानदेय। थोक व्यापारी गोविंद खंडेलवाल के 5 गोदामों पर जिला प्रशासन ने मारा छापा। अत्यधिक स्टॉक देखकर गोदाम संचालक की लगाई गई क्लास। कहा, शहर के जरूरतमंदों का सामान घटा तो होगी कार्रवाई। कोरोना से लड़ने को लेकर कई संगठन और कई लोग आए आगे। विभिन्न संगठन के लोगों ने पहुंचाई जरूरतमंदों को राहत और लोक आस्था का महापर्व पहुंचा अपने ढलान पर। पर्व के तीसरे दिन अस्ताचलगामी सूर्य को किया गया अर्घ अर्पण। कोरोना महामारी की वजह से काफी कम लोगों का हुआ जुटान, लोगों का उत्साह रहा फीका। अब खबरें विस्तार से। उपायुक्त राहुल सिन्हा ने सोमवार को समाहरणालय के सभा कक्ष में एक प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कोरोना से जंग के लिए गिरिडीह में की गई तैयारियों की जानकारी मीडिया को दी। समाहरणालय के सभा कक्ष में सोमवार को उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने एक प्रेस वार्ता की। मौके पर पुलिस कप्तान सुरेंद्र कुमार झा, DPRO रश्मि सिन्हा समेत अन्य कई अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान कोरोना महामारी से लड़ने को लेकर कई तरह के दिशा निर्देश दिए गए। मौके पर उन्होंने कहा कि सब्जी और फल के वेंडर अब गली मोहल्लों में जाकर अपने सामानों की होम डिलीवरी कर सकेंगे, उनके लिए कोई रोक नहीं है। उन्होंने बताया कि यह एक गंभीर लड़ाई है और इससे सभी को मिलजुल कर लड़ना होगा, इसलिए एक दूसरे का परस्पर सहयोग करें और इस विषम परिस्थिति से उभरने का प्रयास करें। उन्होंने बताया कि गरीब तबके के लोगों के लिए जिले में 76 दाल भात केंद्र इस महीने के आखिरी दिन तक खुल जाएंगे, जिससे गरीब लोगों के बीच खाने पीने की समस्या नहीं होगी। उन्होंने बताया कि तमाम तरह की व्यवस्थाओं के लिए जिले में टास्क फोर्स का गठन किया गया है। अब चाहे वह कालाबाजारी की समस्या हो या लॉ एंड ऑर्डर की या फिर अन्य कोई मसला हो, संबंधित टास्क फोर्स इन मामलों पर नजर बनाए रखेंगे। इंश्योर यह किया गया है कि जितने भी ऐसे शॉप्स हैं जो होम डिलीवरी करा पाने में सक्षम हैं, उनको उनके माध्यम से हर एक घरों में होम डिलीवरी कराई जाए। तो इसके लिए काफ़ी सारे शॉप्स का चयन इनिशियली किया गया था और उसमें लगातार एडिशंस भी होते ही जा रहे हैं। और इन जनरल अगर कोई भी शॉप ऐसा महसूस करता है कि वह होम डिलीवरी करा पाने में सक्षम है, उसके पास वॉलंटियर है, पैकेजिंग करने की व्यवस्था है और ऑर्डर लेने की व्यवस्था है, उसकी उसकी फैसिलिटी है, तो बेशक अपना होम डिलीवरी स्टार्ट कर सकते हैं, उसमें कोई इश्यूज नहीं है। जितने भी सब्जी के ठेला वेंडर्स हैं वह गली में जाकर सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करते हुए सब्जी की भी बिक्री करा दे सकते हैं, डोर टू डोर जाकर। ठीक है, द क्रक्स ऑफ द पॉइंट यही है कि कहीं पर भी गैदरिंग नहीं हो और कहीं पे भी संक्रमण का कोई स्कोप नहीं आए। एक प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग जो 1 मीटर का होता है, उसका अनुपालन हर जगह अगर किया जाएगा तो बड़े आसानी से लोगों को भी सुविधाएं मैसर हो जाएंगी। जितने भी स्टैंडर्ड लेबर्स हैं और दिहाड़ी मजदूर हैं जिनका कि रोज़गार अचानक से समाप्त हो गया और उनके पास किसी प्रकार के खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, तो उनको लेकर भी कई एक निर्णय लिए गए हैं। सबसे पहला तो यही है कि जिस किसी भी कॉन्ट्रैक्टर, जिस किसी भी एम्प्लॉयर के अंतर्गत वो काम करते थे, जो भी उनके फैक्ट्री के मालिक हैं, सबसे पहला तो यही है कि इन सभी को सख्त चेतावनी भी है कि आप अपने इस अनऑर्गेनाइज सेक्टर के सारे मजदूरों का ख्याल रखिए। इनको अगर 14 और 21 दिनों का कोई पेड लीव है दे सकते हैं तो इसको इमीडिएटली दे दीजिए और सामान्य रूप से इनके यहाँ राशन पहुँचवाने का कार्य कीजिए। अलबत्ता जिस घर में वो रह रहे हैं तो उसमें भी स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है कि 1 महीने तक इनसे कोई किराया नहीं लिया जाना है और इनको घर से निकलने का भी कोई नोटिस नहीं दिया जाना है। किसी तरह की बिजली पानी की भी कटौती नहीं की जानी है। जिले में टास्क फोर्स भी स्थापित किया गया है। विभिन्न कोषांग बनाए गए हैं जिले में, जैसे इलेक्शन से बनाए जाते हैं, हर एक कोषांग को एक पर्टिकुलर दायित्व दिया गया है, जो एक सीनियर ऑफिसर्स, चाहे वो DDC हो, चाहे वो एडिशनल कलेक्टर हो, चाहे डायरेक्टर हो,
नेटिव हो उनके माध्यम से इसको संचालित भी किया जा रहा है। अगर कहीं कालाबाजारी की शिकायत आ रही है तो ये टीम वहाँ पे जा रही है। कहीं पर बिजली पानी की कटौती की शिकायत आ रही है तो एक टीम वहाँ पे भी इसका लगातार ध्यान रख रही है। कहीं पर अगर किसी स्वास्थ्य सुविधा का अभाव हो रहा है या किसी लॉ ऑर्डर की प्रॉब्लम हो रही है तो उन सभी के लिए डेडिकेटेड टीम्स हैं जो इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि इस प्रकार से लोगों को परेशानी नहीं हो। कई जगहों पर दाल भात केंद्र शुरू किए गए हैं। शहरी क्षेत्र में यह ज़्यादा आवश्यक हो जाता है क्योंकि ज़्यादातर स्टैंडर्ड लेबर्स और दिहाड़ी मजदूर यहीं पर होते हैं। 73 दाल भात केंद्र इस महीने के अंत तक विभिन्न कोनों में जहां पर भी आवश्यकता है जो हम लोगों को विशेष रूप से अन्य जगहों से सुझाव प्राप्त होते उस हिसाब से शुरू कराए जा रहे हैं जहाँ पर कि दो टाइम उनको खाना उपलब्ध करवा दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हो सकता है कि यह इस तक सब लोगों की रीच नहीं हो तो बहुत स्पेसिफिकली मैं प्रेस मीडिया के माध्यम से भी सभी मुखियाओं को अनुरोध करना चाहता हूं कि कृपया चूंकि आप सबसे अधिक अपनी जनता के टच में होते हैं, आप ग्राउंड लेवल वर्कर हैं, सबसे पहले जनता आपके पास अपनी शिकायत को लेकर आई, तो कृपया स्टॉक लेके रखें, आपके जितने भी स्रोत हैं उसको खुला रखें, जितने भी आपके पास मैसेजेस आ सकते हैं सूचनाओं का आदान प्रदान आपके पास हो सकता है पता करके रखिए। कहीं कोई ऐसा गली मोहल्ला टोला कस्बा ऐसा नहीं होना चाहिए जहाँ पर कि राशन विहीन कोई परिवार रह रहा हो, उसके पास राशन कार्ड है नहीं है ये बिल्कुल मैटर नहीं करता है। अगर उसके पास राशन का अभाव है आपको सूचना मिली है तो इसके पहले कि उसकी सूचना किसी और को दे आपका फर्ज है कि आप उसको तुरंत राशन उपलब्ध करा दें। इसके लिए आपके पास सफिशियंट राशि है और जैसी ही राशि खत्म होती है कृपया अपने वीडियो के माध्यम से एक डिमांड पुट अप कर दे, नो कंस्ट्रेंट ऑफ फंड्स, आपको जितना फंड चाहिए होगा आपको तुरंत उपलब्ध करा दिया जाएगा। किसी भी सूरत में कोई भी व्यक्ति बिना भोजन के नहीं रहे, बिना राशन के नहीं रहे। दाल भात केंद्र बढ़ाने की जरूरत है, सुझाव दीजिए अवश्य वहाँ पर अमल किया जाएगा, वहाँ पर बढ़ाया जाएगा। कंडीशन बस यही है कि इन सभी केंद्रों पे चूंकि अच्छे खासी संख्या में लोग आते हैं सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन किया जाए और इसी आलोक में डिसिप्लिन्ड वे में ही लोग यहाँ से राशन या अपनी खिचड़ी प्राप्त करें। एक कॉल आता है तो उसमें ये कहा जाता है कि हम 50 लोग एक साथ फंसे हुए हैं, तो इतने सारे जिलों को डेली बेसिस पर यहाँ से हम लोग के स्तर से एक लेटर जाता है पूरे डिटेलिंग के साथ कि इतने लोगों के कॉल आए हैं और इतने लोग आपके यहाँ फंसे हुए हैं और इतने सारे लोगों को हेल्प की ज़रूरत है और इस पर एक अच्छा रिस्पांस भी आने लगा है। तो जिले में भी जितने उनके घर वाले हैं वो चाहें तो इस हेल्पलाइन का सहारा ले सकते हैं या सीधे यहीं पर आवेदन दे सकते हैं। एवरीडे जब हम लोग इन डिस्ट्रिक्ट्स को लिखते हैं सेम डिस्ट्रिक्ट्स को हम एवरीडे लिखेंगे कि आज हमारे पास हर एक स्रोत से इतने इतने लोगों की जानकारियाँ मिली हैं और ये उनके एग्जैक्ट डिटेल्स ही उनका एड्रेस है, कृपया इनके घर पर राहत सामग्री पहुँचाई जाए या यहाँ पर इनके लिए व्यवस्था की जाए। और इसके साथ आप सभी से एक बार पुनः अपील है कि हम सभी एक महामारी के चपेट में आ सकने की संभावना रखते हैं तो इस विपरीत परिस्थिति में हम सब साथ रहें वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। छोटी छोटी कई बार ऐसी ऐसी शिकायतें हैं जैसे चूँकि हम लोग के बहुत सारे नंबर्स अभी चल रहे हैं, कई एक पति पत्नी के झगड़े सामने आ रहे हैं, कुछ पिता पुत्र के झगड़े सामने आ रहे हैं और उसका कहा जा रहा है कि साहब इसका निपटारा कीजिए, पड़ोसी पड़ोसी के ज़मीन को लेकर झगड़ों के सामने आ जा रहे हैं। तो मैं अनुरोध है कि अभी ये सब चीज़ें वेट कर सकती हैं, ये जो रेवेन्यू के प्रॉब्लम्स हैं या ये छोटे छोटे दो पब्लिक के बीच का डिस्प्यूट है इन सब परिस्थितियों में मेरी समझ से ये सब को अभी वेट करना चाहिए। अभी हम सब राशन पानी वाली समस्या से निपटने की कोशिश कर रहे हैं, बाहर हमारे सैकड़ों हज़ार की संख्या मजदूर फंसे उससे निपटने की कोशिश। बाहरी देशों और राज्य से आ रहे व्यक्ति अब जिले में बने विभिन्न क्वारंटाइन सेंटर में 14 दिन के लिए रखे जाएंगे। मामले की जानकारी सोमवार को गिरिडीह के कार्यपालक दंडाधिकारी अशोक सिन्हा ने दी। इसके अलावा श्री सिन्हा ने अन्य कई जानकारियां मीडिया के समक्ष रखी। गिरिडीह के कार्यपालक दंडाधिकारी अशोक कुमार सिन्हा ने कहा कि कोरोना महामारी से बचाव को लेकर बाहर के देशों और अन्य राज्यों से आ रहे व्यक्तियों के जिले में प्रवेश पर अब रोक लगानी है। इस आलोक में श्री सिन्हा ने कहा कि जिले भर में कई क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं, अब बाहर से आने वालों को उसी में 14 दिन के आइसोलेशन में रखा जाएगा। मौके पर श्री सिन्हा ने कहा कि इस महामारी के दौर में तमाम तरह के रोजी रोजगार पर ताला लटक गया है, ऐसे में सभी मकान मालिकों को यह निर्देश दिया गया है कि वे अपने किराएदारों से अगले आदेश तक किसी भी तरह का भाड़ा नहीं मांगेंगे।
इस क्रम में उन्होंने कहा कि यहां के सभी औद्योगिक इकाइयों को भी निर्देशित किया गया है कि तालाबंदी की अवधि में सभी कर्मियों और मजदूरों का वेतन भुगतान करते रहेंगे, इसमें किसी तरह की भी कटौती नहीं होगी। आज आदेश निकाला गया है उपायुक्त महोदय के द्वारा, उसमें यह भी आदेश है कि जिले से बाहर या जिले के अंदर कोई व्यक्ति न प्रवेश करेंगे न बाहर जाएंगे। अभी देखने को ये मिल रहा है कि हमारे जिले में दूसरे राज्यों से या दूसरे देशों से काफ़ी लोग आ रहे हैं। BDO CEO एंड मुखिया को स्पष्ट आदेश दिया गया है कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं वो अपने गाँव में अपने घर में प्रवेश नहीं करेंगे। उनको किसी भी हालत में उनके घर गाँव में प्रवेश करने नहीं देना है। उनको प्रखंड या पंचायत में जो क्वारंटाइन सेंटर बना हुआ है कम से कम 14 दिनों के लिए उनको वहीं पर रखना है, और इसके लिए पूरी व्यवस्था BDO CEO एंड मुखिया द्वारा कराई जा रही है। और किसी भी तरह की यदि फंड की कमी होती है तो उपायुक्त महोदय को लिखेंगे, उनको फंड तुरंत उपलब्ध करा दिया जाएगा। इसके अलावा दो और भी आदेश निकला हुआ है। एक आदेश ये भी है कि बहुत सारे लोग जो हैं गिडे में वो कुछ लोगों को किराएदार के रूप में रखे हुए हैं किराए, तो जितने भी किराएदार हैं जो गिरडी जिला में हैं उनसे मकान मालिकों को आदेश दिया गया है कि वो मकान मालिक उन किराएदारों से एक महीना तक किराया की मांग नहीं करेंगे, उन पर किसी भी तरह का कोई दबाव किराया देने के लिए नहीं डालेंगे। और यदि किसी भी तरह की ये शिकायत प्राप्त होती है तो उनके खिलाफ एक्ट के सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। एक और भी आदेश निकला हुआ है कि जितने भी मजदूर हैं जो किसी के अंडर में काम कर रहे हैं, यानी जो नियुक्ता है, चाहे कल हो कल कारखाना के नियुक्ता हो या कोई ठेकेदार हो या फैक्ट्री हो या प्रतिष्ठान हो, कमर्शियल इंस्टीट्यूट हो, तो किसी भी तरह के प्रतिष्ठान या कारखाना या ठेकेदार के अंडर में जो मजदूर काम कर रहे हैं उनको उनकी मजदूरी नियत समय में उनके नियुक्ता द्वारा एम्प्लॉयर द्वारा दी जाएगी और मजदूरी में किसी प्रकार की कोई भी कटौती। गिरिडीह में लॉकडाउन के दौरान 3 घंटे के लिए दी जा रही ढील के दौरान लोगों की भीड़ नियंत्रित करने और सोशल डिस्टेंस को कायम रखने के लिए पुलिस प्रशासन अपनी हर संभव कोशिश कर रही है। सोमवार को भी पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद रही। लॉकडाउन के दौरान सुबह 6 बजे से 9 बजे तक गिरिडीह शहर में दिए जा रहे ढील के दौरान लोगों की भीड़ को नियंत्रित करने और सोशल डिस्टेंस को कायम रखने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। शहर में ट्रैफिक इंस्पेक्टर रामरतन सिंह के नेतृत्व में पूरी पुलिस टीम लोगों से लॉकडाउन के नियमों का पालन कराने में जुटी है। सोमवार को भी पूरी टीम सुबह से सड़कों पर मुस्तैद दिखी। मौके पर SDO राजेश प्रजापति, नगर थाना प्रभारी आदिकांत महतो ने सुबह खुलने वाली दुकानों में सोशल डिस्टेंस को बरकरार रखते हुए आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लोगों द्वारा दुकानों में भीड़ नहीं लगाने और गैर जरूरी कार्यों के लिए बाहर नहीं निकलने की भी सलाह दी। इस क्रम में बेवजह घर से बाहर निकलने वाले लोगों के वाहनों की हवा निकालकर उन्हें कड़ी चेतावनी भी दी गई। मौके पर पुलिस इंस्पेक्टर श्री सिंह ने कहा कि लॉकडाउन का व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है, इसके बाद भी लोग अपने घरों से सड़क पर निकल रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ अब सख्ती बरती जाएगी। गुप्त सूचना के आधार पर प्रशासनिक अधिकारियों ने गिरिडीह के थोक कारोबारी गोविंद खंडेलवाल के 5 गोदामों में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान चना दाल, चीनी, मैदा, सूजी के स्टॉक बड़े पैमाने पर पाए गए, जिसके बाद अधिकारियों ने कारोबारी गोविंद को कड़ी हिदायत दी। गिरिडीह शहर के थोक कारोबारी गोविंद खंडेलवाल के 5 गोदामों में सोमवार को प्रशासनिक अधिकारियों ने छापेमारी की। अधिकारियों ने अनाज के अवैध स्टॉक मौजूद होने की गुप्त सूचना पर छापेमारी की, लेकिन किसी गोदाम में आटा का स्टॉक नहीं मिला। लेकिन छापेमारी में चना दाल, चीनी, मैदा, सूजी के स्टॉक बड़े पैमाने पर पाए गए। किसी गोदाम में चीनी के स्टॉक थे
तो किसी गोदाम में मैदा और सूजी के स्टॉक के साथ चावल के स्टॉक मिले। लॉकडाउन की घोषणा के बाद इतने बड़े पैमाने पर खाद्य सामग्रियों के स्टॉक देख अधिकारियों का गुस्सा होना तय था। जिला पंचायती राज पदाधिकारी शिवशंकर और एनडीसी डॉक्टर सुदेश कुमार व डीआरडीए पदाधिकारी आलोक कुमार ने छापेमारी के क्रम में थोक कारोबारी गोविंद खंडेलवाल को कड़े शब्दों में हिदायत दी। कहा कि लॉकडाउन के कारण प्रशासन इन स्टॉकों को जब्त नहीं कर रहा है, क्योंकि अनाजों के जब्त हो जाने से लोगों की परेशानी बढ़ेगी। ऐसे में स्टॉक को जब्त तो नहीं किया जा रहा है, लेकिन बाजार में इन वस्तुओं की किल्लत हुई तो कार्रवाई भी तय है। आटा चावल चोखा। आटा और दाल ये एक बड़े स्टॉकिस्ट हैं गिरिडीह जिले में, तो सूचना मिली थी कि होर्डिंग की थी यहाँ पर, ताकि इस आर्टिफिशियल स्कर्सिटी का कुछ समस्या आ गया था, बहुत लोगों को चावल दाल और आटा नहीं मिल पा रही थी। तो इस सिलसिले में ये जिले के सबसे बड़े स्टॉकिस्ट होने के नाते हम लोगों ने इनका सारा गोदाम और दुकान चेक किया। आप लोग के सामने देखा माल कुछ है, कुछ ही लोग बाहर से अभी मंगा रहे हैं। जैसे ही प्रोडक्शन लाइन चालू हो जाएगी, हम लोग सप्लाई लाइन को चालू करना चाह रहे हैं, ताकि ज़िले में किसी भी तरह का खाद्यान्न की कमी ना हो, और जो भी खाद्यान्न लेना चाहते हैं पर्याप्त संख्या में हम लोग उसको उपलब्ध करा दें। यहाँ पर किसी तरह की हैफाजार्ड वे में या पैनिक बाइंग लोग ना करें, जितनी ज़रूरत है कहीं लोग खरीदें, ताकि सभी के घरों में अनाज पहुँच जाए। और जैसा अभी MR जो फ्लोर मिल है देवघर से, वहाँ से हम लोग 4-5 गाड़ी आटा मंगाने की कोशिश कर रहे हैं। गोविंदपुर से भी आटा आता है, और दाल वगैरह जो कटनी मध्य प्रदेश से आता है, तो इनकी जो सप्लाई लाइन है, हम लोग यही चाह रहे हैं कि जहाँ बाहर से इनका जो सप्लाई आता था वो स्मूथली जो है चालू रहे, ताकि यहाँ किसी तरह की कमी ना हो। और जो भी लॉजिस्टिक हम लोगों को जिला प्रशासन की तरफ से इनको मुहैया कराना है, हम लोग देने के लिए तैयार हैं, ताकि इनकी गाड़ियाँ कहीं भी रास्ते में फंसे नहीं, और पर्याप्त संख्या में यहाँ पर इन्होंने कहा कि हम लोग को सुरक्षा मुहैया कराएं, ताकि दुकानें इनकी खुली रहें। 6 से 9 बजे तक ये होलसेलर हैं, ये अपनी दुकानें खुले रखें, ताकि रिटेलर अपने इनसे माल ले करके बाकी आगे फर्दर। क्या नाम है सर गोदाम से? ये गोविंद खंडेलवाल इनका नाम है। पचम्बा थाना के निकट भी सोमवार से कम्युनिटी किचन की शुरुआत की गई। इस क्रम में यहां आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले गरीबों को भोजन उपलब्ध कराया गया। वहीं इस व्यवस्था से स्थानीय लोग बेहद खुश नजर आए। पचम्बा थाना के पास से भी सोमवार से कम्युनिटी किचन की शुरुआत की गई। इस क्रम में आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले गरीबों को यहाँ से खाना उपलब्ध कराया गया। मौके पर पचम्बा थाना प्रभारी सर्वानंद सिंह, ASI भरत सिंह, ASI मुंशी यादव, वार्ड नंबर 2 के वार्ड पार्षद प्रतिनिधि सिराज खान, मिथिलेश कंदवे, परसाटाण मुखिया निर्मल प्रसाद वर्मा आदि लोग मौजूद रहे। बताया गया कि कोरोना संकट से निपटने के लिए गिरिडीह में जगह जगह कम्युनिटी किचन की व्यवस्था की गई है। इसी कड़ी में सोमवार को पचम्बा थाना के पास कम्युनिटी किचन का विधिवत उद्घाटन किया गया। उद्घाटन के बाद यहां लगभग 200 लोगों को भरपेट भोजन कराया गया। इस व्यवस्था से स्थानीय लोग बेहद खुश थे। लोगों ने इसके लिए पुलिस प्रशासन के प्रति आभार जताया।
है कि यहाँ गरीबों को जो सामुदायिक किचन की व्यवस्था, कम्युनिटी किचन की जो व्यवस्था की गई है, जिसके आदेश के आलोक में मैंने पुलिस अधीक्षक से निर्देश प्राप्त हुआ, जिसके आलोक में मैंने आज से ये निःशुल्क गरीबों को जो कोरोना वायरस को लेकर के दिन रात पैदल चल रहे हैं, ना उनको भोजन मिल रहा है ना पानी मिल रहा है, ऐसी व्यवस्था में हमारे DGP साहब सर ने जो आदेश दिया है वो बहुत ही सराहनीय है। मैं इनके लिए उनको भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ और पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इस पर बराबर निगरानी रखी जा रही है। उसी आदेश के आलोक में मैंने आज पचम्बा थाना के गेट पर निःशुल्क गरीबों का भोजन कराने का निर्णय लिया है और पचम्बा पुलिस के परिवार सारे लोग लग करके हम लोग गरीब को खाना पानी और जो भी सुविधाएं हैं हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं और आगे भी कराएंगे। जब तक ये लॉकडाउन रखा गया है तब तक हम लोग के द्वारा गरीबों को निःशुल्क भोजन और सारी व्यवस्था की जा रही है ताकि कोई आदमी भूखे नहीं मरे, प्यासे नहीं मरे, इसी पर हम लोगों ने निर्णय लिया है। और हमारे DGP सर का जो आदेश है उस आदेश के आलोक में हम लोग निरंतर प्रयत्नशील है, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो, चाहे ये लॉकडाउन के लेकर के जो हमारा जो चेक इन पॉइंट बनाया गया है वहाँ पर सतत निगरानी 24 आवर्स रखी जा रही है ताकि कोई ऐसा आदमी नहीं जो कि ये सभी की पर्चे जो जरूरी है वही निकलेंगे, जो अर्जेंसी है वही निकलेंगे। बिना लॉकडाउन का मतलब जब तक आप लोग घर के अंदर नहीं रहेंगे तब तक हम लोग कोरोना पर ये विजय प्राप्त नहीं कर सकते। कैसा खाना था? बहुत अच्छा खाना था। खाना अच्छा था? अब क्या करते हैं? ड्यूटी नगर निगम में करते हैं। खाना जो मिला है सो बहुत पुलिस प्रशासन तक बहुत अच्छा मिल रहा है। सब आदमी के परेशानी बहुत था इसलिए खाना ठीक मिल गया। अब कहाँ आप यहाँ क्या कर रहे थे? हम यहाँ हॉस्पिटल यहाँ ही आए थे, शिला वर्मा के हॉस्पिटल। प्रेस क्लब ने सोमवार को दूसरे दिन भी जरूरतमंदों को मदद पहुंचाने का अभियान जारी रखा। इस क्रम में बक्सीडी रोड और बस स्टैंड के आसपास के स्लम बस्तियों में पहुंचकर पत्रकारों ने दूध के पैकेट का वितरण किया। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए अब कई वर्ग और कई तबका उठ खड़ा हुआ है। इसी कड़ी में गिरिडीह प्रेस क्लब भी लगातार लोगों की मदद कर रहा है। सोमवार को भी वरिष्ठ पत्रकार राकेश सिन्हा की अगुवाई में पत्रकारों का दल गिरिडीह के बक्सीडीह स्थित स्लम बस्तियों में पहुंचा और उनके बीच दूध के पैकेट का वितरण किया। बताया गया कि प्रभात डेयरी के सहयोग से यह अभियान चलाया जा रहा है। यहां इस दल में पत्रकार लक्ष्मी अग्रवाल, अभिषेक सहाय, विनोद शर्मा, मृणाल सिन्हा, राजन सिन्हा, वार्ड पार्षद प्रतिनिधि हबलू गुप्ता आदि मौजूद थे। लॉकडाउन के दौरान जो ट्रांसपोर्टिंग की व्यवस्था नहीं है उसके कारण ज़रूरतमंदों तक खाद्यान्न, दूध आदि नहीं पहुंच पा रहा है। तो इस संकट को देखते हुए गिरिडीह प्रेस क्लब ने निर्णय लिया है कि जो भी लोग सहयोग देना चाहें वो दें और हम लोग का कोशिश होगा उसमें कि हम लोग निर्धारित स्थल पर जहाँ ज़रूरतमंद लोग हैं वहाँ तक उसको पहुँचाने की कोशिश करें। प्रभा डेयरी के तरफ से दूध उपलब्ध कराया गया है और हम लोग सबसे पहला अभियान हम लोग का अभी चल रहा है कि ज़रूरतमंदों को हम दूध उन तक पहुँचा सकें। प्रेस क्लब की ओर से ज़रूरतमंदों के बीच में दूध वितरण का कार्य चल रहा है और हम लोगों की कोशिश है कि वैसे लोगों को दूध मिले जिनके बच्चे घर में छोटे छोटे हो या जिनको ज़रूरत हो। रोज़ हम लोग नए नए मोहल्लों में जाकर दूध का वितरण कर रहे हैं। एक काम प्रभा मिल्क डेयरी की ओर से हम लोगों को दूध उपलब्ध कराया जा रहा है, इसलिए धन्यवाद का पात्र प्रभा डेयरी मिल्क के लोग हैं। हम लोग केवल माध्यम हैं और प्रेस क्लब और लोगों से भी अपेक्षा करती है कि हम लोग के माध्यम से जो भी अच्छा कार्य, नेक कार्य कराना चाह रहा हो वे हम लोगों से संपर्क करें। हम लोग गली मोहल्ले में घूम कर नेक कार्य करने के लिए तैयार हैं। महापर्व छठ को लेकर शहर के विभिन्न छठ घाटों में निगम की ओर से साफ सफाई करवाई गई। वहीं कोरोना महामारी को देखते हुए निगम ने पूरे शहर में सैनिटाइजर का भी छिड़काव किया। महा छठ को लेकर सोमवार की सुबह तमाम छठ घाटों में नगर निगम की ओर से साफ सफाई कराई गई। हालांकि इस बार महामारी को लेकर छठ का उत्साह बेहद कम था, बावजूद इसके साफ सफाई के साथ साथ नगर निगम ने पूरे शहर में सैनिटाइजर का छिड़काव किया और सड़क मार्ग की भी
साफ सफाई करवाई। मौके पर निगम के कई पदाधिकारी व कर्मी लगे हुए थे। देश की समस्या है तो हम सब लोगों को इसकी जो जिला प्रशासन बोल रही है उनकी बात को मानना चाहिए, क्योंकि छठ पर्व हमारा छठ पर्व मनाना भी हम लोग का अति आवश्यक है, क्योंकि हमारा धार्मिक अनुष्ठान है वो चलता ही रहेगा। लेकिन इस परिस्थिति में हम लोग को ये करना चाहिए कि हम लोग प्रयास करें कि हम लोग अपने घर में ही छठ पर्व को आरक्ष की व्यवस्था करें, और नहीं व्यवस्था है तो उस परिस्थिति में अपने आस पास के तालाब या नदी में हम लोग जाएंगे, लेकिन भीड़ भाड़ से हम लोग को बिल्कुल वंचित रखना है, क्योंकि भीड़ ही इसका वायरस फैलने की संभावना है। इसलिए हम लोग सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन दिया जाए उसको हम लोग पालन करना चाहिए। तो तमाम गिरिडीहवासियों से मेरा आग्रह है कि भीड़ नहीं है में जाए, छठ मनाना है अपने अपने घर में ही मनाएं, क्योंकि ये देश का समस्या है, सारे देश के लोग लगे हुए हैं, हम लोग को उनको सपोर्ट करना चाहिए। मुफस्सिल क्षेत्र के बलोर में लकड़ी काट रहा एक युवक पेड़ से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे धनबाद रेफर कर दिया गया। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बलोर गांव के एक जंगल में लकड़ी काट रहा एक युवक पेड़ से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक बलोर गांव का ही रहने वाला 45 वर्षीय जगदीश कौर है। बताया गया कि जगदीश लकड़ी काटने के लिए जंगल गया था। जंगल में वह पेड़ के ऊपर चढ़कर लकड़ी काट रहा था, इसी दौरान वह नीचे गिर गया, जिससे उसके सर में गंभीर चोट आई। घटना के तुरंत बाद उसे 108 से गिरिडीह सदर अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए धनबाद रेफर कर दिया गया। पेड़ पे चढ़ा था ये, क्या हुआ फिर गिर गया था ऊपर से गिरा। कहाँ घर है, कौन सा थाना है, थाना है इन लोग का, कौन सा पड़ता है। गुजरात के विभिन्न इलाकों में फंसे गिरिडीह के लोगों ने अपना वीडियो शेयर कर जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। मजदूरों ने कहा है कि हेल्पलाइन नंबर से उन्हें किसी भी प्रकार की सहायता नहीं मिली है, अब जिला प्रशासन से ही उन्हें कुछ उम्मीदें हैं। गुजरात के विभिन्न इलाकों में गिरिडीह के हजारों लोग अब भी फंसे हुए हैं। सोमवार को सूरत के अर्चना स्कूल के निकट पूना गांव के पास महाराणा प्रताप स्ट्रीट गोधरा आदि क्षेत्रों में फंसे लोगों ने अपना वीडियो शेयर किया और अपना दुखड़ा सुनाया। इस बाबत कमोवेश सभी मजदूरों की एक जैसी ही हाल नजर आई। सभी मजदूरों ने कहा कि उनकी स्थिति काफी दयनीय है, हेल्पलाइन नंबर से भी उन्हें कोई मदद नहीं मिल पा रही है। सभी मजदूरों ने गिरिडीह प्रशासन और झारखंड सरकार से मदद की गुहार लगाई है। और हम करते थे तो काम भी वहाँ पे छूट गया, क्योंकि मार्केट बंद हो गया। मार्केट जब बंद हो गया तो हम लोग के पास उतना पैसा भी नहीं है जो हम लोग अपना रूम में रह करके खा सकेंगे। रूम में ना गैस का बाटला हम लोग के पास भरा हुआ अभी है, नहीं घर नहीं यहाँ पे हम लोग के पास अनाज उतना है जो हम लोग खाएंगे। एक आदमी नहीं 13-14 आदमी हम लोग इस बिल्डिंग में फंसे हुए हैं, और नमक लेने के लिए भी पैसा नहीं है। तो हम लोग कोरोना वायरस से बचने के लिए मोदी सरकार ने लगाया कि तुम लोग रूम पे रुको, कहीं बाहर मत जाओ। रूम का बाहर जाते हैं कुछ लेने के लिए तो पुलिस डंडा मार के भगा देता है। अच्छा वहाँ से भी कुछ ले के भी आते हैं हम छुप छुप के कहीं से, तो अब पैसा ख़त्म हो गया। 21 दिन या 20 दिन के लॉकडाउन कर दिया है, तो अपने घर पे कुछ अनाज भी नहीं है खाने के लिए, सब तड़प रहा है। भाई देखो इसको भी बहुत
जो है सो खाने के, इसका तो बिल्कुल खर्चा खत्म हो गया है। नीचे लूम में रहता है, हम लोग का कुछ है भी एक दिन का चाहे दो दिन का, वो तो चला लूंगा, लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं है। एक भाई के पास, उसके पास भी कुछ भी नहीं है। तीन रूम में है, तीनों रूम में दो रूम, एक रूम का अगर है भी तो क्या करेंगे। एक दिन से दो दिन में अब ख़त्म हो जाएगा, तो बस हो गया कोरोना वायरस से पहले हम लोग जो है भूखे मर जाएंगे। और सर, हम लोग सूरत गुजरात में रहते हैं। हम लोग 5-6 दिन से झारखंड सरकार के सभी आला अफसरों से बात कर रहे हैं और सबको सिर्फ आश्वासन दिया है, और कोई इसका फ़ोन नंबर देता है, कोई उसका फ़ोन नंबर देता है, लेकिन हम लोग को अभी तक कोई हेल्प मिला नहीं है। हम लोग झारखंड हजारीबाग गिरडी और बिहार के जम्मू जिले के हज़ारों मजदूर यहाँ फंसे हुए हैं, लेकिन सरकार अभी तक हमको कोई, हम लोगों को सहायता नहीं दिया। हम लोग सब भूखे मर रहे हैं। ये हम लोग का रूम है, आप देख सकते हैं, रूम में कोई अनाज नहीं है, और फिर भी हम लोग, सरकार हमको कोई सहायता नहीं पहुंचा रही है, ना हम लोग को घर जाने के लिए कुछ व्यवस्था कर रही है। ये देख सकते हैं, हम लोग भूखे मर रहे हैं, और सरकार से लाभ गुहार करने के बाद भी हम लोग को कोई सहायता नहीं मिल रहा है। और हम आशा करते हैं कि ये सरकार के पास जाएगी और सरकार हम लोग का मतलब खाने पीने की व्यवस्था कराएगी और यहाँ से झारखंड ले जाएगी। मुफस्सिल क्षेत्र के परातडीह पंचायत के लोग इस विषम परिस्थिति में भी अनाज की कमी से परेशान हैं। लोगों ने जल्द ही प्रशासन से मदद करने की गुहार लगाई है। मुफस्सिल क्षेत्र के परातडीह पंचायत में अनाज की घोर कमी हो गई है, जिससे स्थानीय लोग बेहद परेशान हैं। बताया गया कि परातडीह पंचायत के राशन डीलर मोहम्मद शमीम का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया है, इस वजह से वह अनाज नहीं उठा पा रहा है। यही कारण है कि स्थानीय ग्रामीणों को अनाज मिलना इस विषम परिस्थिति में दुभर हो गया है। बताया गया कि परातडीह के अलावे अम्बाडीह, नया धौड़ा, कमलजोर, पहाड़ीडीह, सिमरिया धौड़ा आदि गांव के लोग राशन की कमी से परेशान हैं। इस बाबत स्थानीय प्रवीण खातून, जरीना खातून, वाहिद, सोएब, जुलेखा, मनीर आलम आदि ने प्रशासन से जल्द राहत दिलाने की मांग की है। आज गिरेगा, कल गिरेगा, कहीं राशन गिरता ना, चुपे चुपे कहाँ कहाँ राशन गिरा रहा हमको पता ना। क्या है डीलर आपका? यही है सलीम डीलर। 4 महीना से राशन नहीं मिल रहा, जब जाए तो वैसे करता है, कभी हाथवे से छीन लेता, फेंक देता है डब्लू, जब बोलते बोलते जा 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 निकलो यहाँ से, निकलो जा, जहाँ जहाँ जा जा जा। छोटा छोटा बच्चा है, भूखा मर रहा सब, और पल बच्चा काम रहा सब, हम कहाँ देंगे सर। एक महीना तो गाफ कर देता है, फिर दूसरा महीना कभी वहाँ रख दिया, कभी यहाँ रख दिया, कभी सिमरिया धर्म रख दिया। मतलब दुकान उसका कोई अस्तित्व नहीं है, चेंज होते रहते हैं और हम लोग के पता भी नहीं चलता है। हो गया चावल हम लोग के नहीं मिला है सर, हम लोग एकदम खाद में सब एकदम भूखल मर रहे हैं, बोल रहे हैं तो बोलता है कि आज देंगे, कल देंगे, परसों देंगे, चावल भी हम लोग के नहीं देता। ये परादी पंचायत है, चावल में एक महीना का काट के एक महीना का दिया जा रहा है, मार्च का बोल कर, और मार्च का जो दिया है उसमें 5 किलो काट के बोल रहा देंगे। ये मेरे गांव में कुछ एक आदमी लेके आया है चावल, यहाँ गिरा हुआ है। प्लस पत्रकार लोग आए हैं, सिटी न्यूज वाला आए हैं, जिसको हम लोग सूचना दे रहे हैं, और इससे कबल भी सूचना दिए थे, दरखास्त दे करके भी, लेकिन इस पर कार्रवाई नहीं हो रहा। अभी लॉकडाउन का दौर चल रहा है, अभी कोरोना वायरस का मामला है, और चावल जैसे सरकार अभी बार बार ऐलान कर रही है कि हम सुविधा देंगे, सुविधा देंगे, जब लाल कार्ड का सुविधा नहीं मिला है तो बिना कार्ड वाला को सुविधा कहाँ से मिलेगा। हम लोग ने एमओ से भी बात किया तो 2 दिन का टाइम लिया, अब लगा रहे हैं तो फ़ोन नहीं उठा रहा है। DSO साहब से बात हुई तो बोला ठीक है, हम आज आवेंगे, कल आवेंगे, आज आवेंगे, कल आवेंगे, और इस तरह से आज जब बातचीत किया किसी ने तो बताया कि हम थक गए हैं, अब नहीं जा सकेंगे। मतलब गरीब को देखने वाला नहीं है। अब सवाल उठता है कि हम लोग अब कहाँ जाएँ, किसके दरबार में जाएँ। अब तो इस तरह से ऐसा लगता है कि हम लोग तो वायरस से नहीं, कोरोना वायरस से नहीं, अब तो हम लोग भूख से मरने जा रहे हैं। हम लोग तो रोड पर आना पड़ेगा, चाहे काम धंधा प्लांट वगैरह टोटल चीज़ बंद है, तो गरीब को अगर चावल भी नहीं मिलेगा तो ये जाएगा कहाँ। मामला ये है कमलजोर, वार्ड नंबर 33। यहाँ पे कार्डधारियों का जनवरी, फरवरी और मार्च 3 महीने का राशन नहीं दिए बकाया है, और जिसका वितरण राशन डीलर मोहम्मद सलीम उसके द्वारा अभी तक वितरण नहीं किया गया, और इस भुखमरी के दौर में लोग भूख से मर रहे हैं, चावल घर में ख़त्म हो गया लोगों का, अब लोग परेशान हैं चावल के लिए, बहुत ज़्यादा उस पर दबाव दिया जा रहा है। तो वो बोले कि हमारे पास चावल नहीं है, हमारे पास सिर्फ 1 महीना का चावल है, उसमें भी 5 किलो काट के देंगे,
और डीलर के द्वारा कहा गया, और लेकिन डीलर यहाँ आया नहीं, एक आदमी जाए उसको ऐसा बोल के भेज दिया। तो दो दिन पहले की बात है कि वो बोला कि हम आके यहाँ बांटेंगे चावल, लेकिन फिर आके वितरण नहीं किया। फिर हम यहाँ से कॉल किया गया डीएसओ सर को, तो डीएसओ सर बोले कि कल तक मामला को हम सेलेक्ट लेते हैं, लेकिन मामला अभी भी नहीं हुआ, अभी चावल बांटने वाले थे। और जब अभी चावल बांटने के लिए बैठे तो कुछ लोग थे जो मतलब डीलर का सपोर्ट में थे कि चावल इसी तरह जैसे तैसे हो, इस मजबूरी का नाजायज फायदा उठा के चावल को हमको बांट के खत्म करना, 5 किलो कम। तो इसी में कार्डधारी के द्वारा बोला गया कि हम लोग चावल 5 किलो कम नहीं लेंगे और 3 महीने का चावल लेंगे। अगर चावल कम भी दीजिएगा, क्यों दीजिएगा, 3 महीने का चावल दीजिए। अभी इस विकट स्थिति में हम लोग को चावल पूरा। गिरिडीह के मारवाड़ी सम्मेलन से जुड़े लोगों ने सोमवार को शहरी क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में तैनात किए गए पुलिस जवानों के बीच धूप से बचने के लिए छाते का वितरण किया। इस दौरान उनके बीच पानी और बिस्कुट का भी वितरण किया गया। गिरिडीह का मारवाड़ी सम्मेलन भी इस मुश्किल घड़ी में लोगों की मदद के लिए सामने आ गया है। मारवाड़ी सम्मेलन से जुड़े राकेश मोदी, दिनेश खेतान, प्रकाश गोयनका आदि अपने सहयोगियों के साथ सोमवार को शहरी क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में निकले और सुरक्षा में तैनात पुलिस जवानों को धूप से बचने के लिए छाता मुहैया करवाया। वहीं सभी के लिए बिस्कुट और पानी की व्यवस्था की। मौके पर पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र कुमार झा, ट्रैफिक इंस्पेक्टर रतन सिंह, नगर थाना प्रभारी अधिकांत महतो भी मौजूद रहे। बताया गया कि मारवाड़ी सम्मेलन इस विषम परिस्थिति में लगातार पूरे शहर में तैनात पुलिस जवानों के लिए पानी और बिस्कुट की व्यवस्था करती रहेगी। कुछ कल्याणकारी संगठनों की तरह खास रेड क्रॉस और इत्यादि माध्यम से जो आप लोग सेवा में दिन रात लगे हुए हैं पुलिसकर्मी, जो इस तपती धूप में इतने सारे इन्फेक्शन को अपने पर ले रहे हैं, उन लोगों की सहायता से कुछ छाता, बिस्किट, सैनिटाइजर, मास्क इत्यादि का वितरण किया गया है ताकि पुलिसकर्मी अपने आप को इन्फेक्शन बचा के लोक सेवा में लगे रहे। इन संस्थाओं का तहे दिल स्वागत है और हम ये आह्वान करते हैं पुलिस भाइयों से अपना बेस्ट से बेस्ट दें ताकि हम लोग मिलकर अपने समाज को सुरक्षित रख सकें। धन्यवाद। देश में इस महामारी कोरोना को देखते हुए जो हमारे जिला के जवान जो अपनी जान की परवाह किए बिना हम लोग की सुरक्षा में तैनात हैं कंटिन्यू, उसको देखते हुए आज महामारी सम्मेलन के द्वारा शहर के विभिन्न विभिन्न इलाकों में लगभग 200 लोगों के छाता का वितरण किया गया है और उनको एक एक बोतल पानी और बिस्किट का वितरण किया गया है। और ये सेवा महामारी सम्मेलन की जब तक ये लॉकडाउन रहेगा तब तक कंटिन्यू पानी और बिस्किट हर दिन प्रतिदिन उपलब्ध करवाई जाएगी, क्योंकि हमने ये सुझाव हमारे आरक्षी अधीक्षक महोदय को दिया था तो उन्होंने ये सुझाव दिया कि वो नाश्ता की पैकेट नहीं देके वो छाता वितरण करवाएं, क्योंकि जवानों को छाता ही ज़्यादा हो सकता थी। इस क्रम में आज पहला दिन है जो कि हम लोगों ने सारे शहर में घूम घूम कर आरक्षी अधीक्षक महोदय की उपस्थिति में हम लोगों ने सारे छाता वितरण किया और पानी बिस्किट हम लोग पर डे वितरण करेंगे। इसी तरह आज लगभग हम लोग 200 छाता वितरण किया है और अगर जरूरत पड़ी तो कल भी और भी छाता की जरूरत पड़ी तो छाता की कोई कमी नहीं है, जितने छाता की जरूरत पड़ी उतना छाता हम वितरण करेंगे। कोयलांचल विकास मंच ने कोयलांचल क्षेत्र के विभिन्न गांवों में जरूरतमंदों के बीच खाद्य सामग्रियों का वितरण किया। बताया गया कि लॉकडाउन से दिहाड़ी मजदूरों के समक्ष उत्पन्न समस्या को देखते हुए यह कार्य किया जा रहा है। कोरोना महामारी के बाद लॉकडाउन में उत्पन्न हुए हालात को देखते हुए कोयलांचल क्षेत्र के विभिन्न गांवों के असहाय व लाचार परिवारों के घर जाकर कोयलांचल विकास मंच उन तक राशन पहुंचा रहा है। मंच के लोगों ने सोमवार को कोयलांचल क्षेत्र के कोपा, जोगतियाबाद, मटरुखा, मांजीडीह, अगदोनी समेत आसपास के गांव में लगभग 50 परिवारों के बीच चावल, दाल, आलू, प्याज, साबुन आदि सामग्री का वितरण किया। बताया गया कि लॉकडाउन में दिहाड़ी मजदूरों के सामने भुखमरी की समस्या ना हो, इसलिए गरीबों के बीच खाद्य सामग्री का वितरण किया जा रहा है। आगे भी मंच के लोगों के द्वारा जरूरतमंद लोगों के बीच खाद्य सामग्री का वितरण किया जाएगा। रेत खड़ा आ जाए।
जैसा कि आप सभी भाई बंधु जानते हैं, कोरोना वायरस के चलते हमारा पूरा देश लॉकडाउन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर ये किया गया है और ये एक बहुत ही खतरनाक वायरस है जिसको रोकने के लिए ये लॉकडाउन किया गया है। लॉकडाउन करने से हमारे पूरे देश में जो डेली मजदूर काम करते थे, जो डेली 200-300 रुपया कमाकर अपने जीविका का उपार्जन करते थे, वो सारा अभी बंद हो गया है, जिसके कारण लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। हमारे कोयलांचल विकास मंच की ओर से, हमारे उन भाइयों की ओर सहायता से सारे ग्रामीणों को और गाँव में जा कर के और चावल, दाल, साबुन वगैरह का वितरण किया। मैं यह भी साथ में अपील करना चाहता हूँ कि जो अगल बगल में जो भी लोग हैं, इस तरह से एक गरीब को मदद करें ताकि उसका घर और उसका चूल्हा, उसका बाल बच्चा को कुछ भोजन मिल सके। राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण ब्यूरो के तत्वाधान में क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर जरूरतमंदों के बीच खाने की सामग्रियों का वितरण किया गया। गिरिडीह मुफस्सिल क्षेत्र के टुंडी रोड और विभिन्न स्थानों पर राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण ब्यूरो के तत्वाधान में घूम घूम कर गरीबों के बीच खाने की सामग्रियों का वितरण किया गया। इस क्रम में सत्तू चूड़ा, बिस्कुट, पानी सहित अन्य सामान गरीबों के घर में जाकर बांटा गया। बताया गया कि इस इलाके में सरकारी सहायता भी ठीक से नहीं मिल पा रही थी, ऐसे में खाने का सामान पाकर सभी लाभुक काफी खुश थे। मौके पर संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बंटी प्रसाद साहू, प्रदेश उपाध्यक्ष शुभम शर्मा, जिला उपाध्यक्ष अमित बाछुका, सुमित अग्रवाल, धीरज सिन्हा, राहुल खंडेलवाल, रवि बसईवाला, राजीव कुमार आदि लोग मौजूद थे। बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी, सरकारी सुविधा समय पर भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा था, जिस कारण से राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण की गिरिडीह की टीम यहाँ पर सत्तू चूड़ा और बिस्किट का वितरण नीमाडी ग्राम नीमाटाण और शंकरडीह चितरपुर में वितरण किया गया। इसमें हर गरीब को मिल गया और हम लोग की कोशिश रही है कि जो भी टीम की तरफ से जो खाद्य सामग्री का आपूर्ति किया गया है वो हर गरीब हर घर के में उपलब्ध किया जा सके। और यहाँ के मुखिया जी हैं और ग्रामीणों का सहयोग बहुत ही ज़्यादा मिला है, इसके लिए मैं मुखिया जी और ग्रामीणों का धन्यवाद देता हूँ। महापर्व चैती छठ के तीसरे दिन यानी सोमवार को गिरिडीह के विभिन्न छठ घाटों में अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पण किया गया। हालांकि कोरोना महामारी को देखते हुए इस बार श्रद्धालुओं का जुटान कम संख्या में हुआ। लोक आस्था का महापर्व छठ का आज तीसरा दिन है। सोमवार को गिरिडीह के विभिन्न छठ घाटों में अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पण किया गया। हालांकि कोरोना महामारी की काली छाया इस पर्व पर स्पष्ट रूप से देखने को मिली। हर साल जहां नदी घाटों पर हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ जुटती थी, वहीं इस बार प्रशासनिक आदेश से काफी कम संख्या में लोग घाटों पर जुटे और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए अर्घ्य अर्पण किया। मौके पर भक्ति और आस्था पूरे उफान पर नजर आई।
छठ पूजा, चैती छठ पूजा माननीय प्रधानमंत्री के आदेशानुसार, हमारे झारखंड मुख्यमंत्री हेमंत दा के आदेशानुसार एवं झारखंड गिरिड के विधानसभा के विधायक माननीय सुदीप कुमार सोनू जी के आदेशानुसार हम लोग अपने परिवार में ही छठ मना रहे हैं। और जो कोरोना वायरस हमारे देश में फैला हुआ है, छठ मैया और सूर्य भगवान से यही कामना करेंगे इस देश में ना ही आए और जहाँ आए वहीं चले जाए। विश्व कल्याण के लिए कर रहे हैं। ये कोरोना बीमारी है सो जितना जल्दी हो हट जाए, ये कोरोना बीमारी जितना जल्दी हो हट जाए, यही दुआ भगवान से हम लोग करते हैं। सूर्यनारायण भगवान से यही दुआ की है, भगवान से दुआ। पानी का साधन नहीं है, न चापानल है न कुआं है, चापानल भी दोनों खराब है। आई शुद्ध पानी से सूरज भगवान का रख पड़ेगा, कैसे देगा बोलिए आप ही, इसीलिए नदी आए हम लोग। अंत में आइए फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। समाहरणालय के सभा कक्ष में उपायुक्त ने की प्रेस वार्ता। कोरोना से जंग को जीतने को लेकर जारी किए कई निर्देश। कहा मकान मालिक किराएदार से एक महीने तक नहीं वसूलेंगे किराया। वहीं असंगठित मजदूरों को तालाबंदी के पीरियड का भी दिलाया जाएगा मानदेय। थोक व्यापारी गोविंद खंडेलवाल के 5 गोदामों पर जिला प्रशासन ने मारा छापा। अत्यधिक स्टॉक देखकर गोदाम संचालक की लगाई गई क्लास। कहा शहर के जरूरतमंदों का सामान घटा तो होगी कार्रवाई। कोरोना से लड़ने को लेकर कई संगठन और कई लोग आए आगे। विभिन्न संगठन के लोगों ने पहुंचाई जरूरतमंदों को राहत और लोक आस्था का महापर्व पहुंचा अपने ढलान पर। पर्व के तीसरे दिन अस्ताचलगामी सूर्य को किया गया अर्घ अर्पण। कोरोना महामारी की वजह से काफी कम लोगों का हुआ जुटान, लोगों का उत्साह रहा फीका। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।